डियर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ़ पावर एम्पलीफायर और इस सीरीज़ के पहले क्लास में हमने पावर एम्पलीफायर के डिटिग्रिटिज को समझा था और ये देखा था कि पावर एम्पलीफायर को पावर इफ़िशेंट होने की कितनी ज़रूरत है पावर इफ़िशेंसी पावर एम्पलीफायर का फिगर ऑफ मेरिट बन जाता है बट पावर इफ़िशेंट बनाने के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ता है एम्पलीफायर को जो कि डिस्टॉर्शन के रूप में हम देखते हैं कि एक पावर एम्पलीफायर कुछ कंडीशनिंग से कुछ ऑपरेशनल कंडीशनिंग से इफिशियंट तो हो जाता है पावर को हम बचा तो पाते हैं डिसिपेशन या हीट जो बढ़ना बढ़ता और जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते ट्रबल्स आते हैं एम्पलीफायर को उससे तो हम बच पाते हैं लेकिन कुछ डिस्टोरसन का सामना करना पड़ता है तो आज की क्लास में हम पावर इफिशियंसी और डिस्टोरसन को डिटेल में समझेंगे थियोरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली भी इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे बाद में जब टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्लास ए को हमने ज़्यादा इफ़िशेंट बनाने की कोशिश नहीं की तो डिस्टोर्सन भी बहुत कम होता है नेग्लिजिबल डिस्टोर्सन क्लास ए में मिलेगा क्लास बी उससे ज़्यादा पावर इफ़िशियंट बनाने का एक तरीका है जिसमें डिस्टोर्सन भी बढ़ेगा क्लास ए बी में उस दोनों का कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो डिस्टोर्सन कॉम्प्रोमाइज होगा फिर क्लास सी में इवन मोर इफिशियंसी बढ़ाने की कोशिश के लिए कुछ ऐसी बायसिंग टेक्निक्स यूज करते हैं तो डिस्टोर्सन भी बहुत ज़्यादा होता है तो बेसिकली ये एक पैटर्न है जो आपको समझ में आने वाला है तो विद द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास एवरीथिंग विल बी बेटर क्लियर तो पावर इफ़ीसिए को हम आज थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं पावर इफ़िशियंसी ठीक है पावर इफिसियंसी जो वर्ड है वो एक अच्छा एक फिगर ऑफ मेरिट बयान करता है किसी भी सिस्टम के लिए किसी भी एक्टिव डिवाइस के लिए इसको ईटा से डिनोट किया जाता है राइट right. तो सबसे पहले मैं एक शब्दों में डिफाइन कर दूं कि पावर इफिशियंसी होती क्या है इट इज अ मेजर ऑफ एंड देन विल अंडरस्टैंड थियोरिटिकली इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी एक एबिलिटी का मेजरमेंट है किस एबिलिटी का मेजरमेंट है ये इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एक्टिव डिवाइस एक्टिव डिवाइस मतलब डिवाइस अब किस तरीके से ये मेजर करता है क्या मेजर करता है टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट द डीसी कन्वर्ट द डीसी पावर सप्लाई Convert the DC power supply into the AC signal. AC signal deliver to the load. Obviously, finally हमको load पे चाहिए होगा output AC signal तो delivered delivered to the load. तो वो बात हम लिख देते हैं यहाँ पे. अब इस बात को थोड़ा explain और explore करने कोशिश करते हैं. सी हम एक्टिव डिवाइस जो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्वियसली एम्पलीफायर एक एक्टिव डिवाइस है एक्टिव डिवाइस जो कि एम्पलीफायर हो सकता है ऑब्वियसली हमारे केस में एक एम्पलीफायर हम डील कर रहे हैं एंड पावर को डील करने की वजह से पावर एम्पलीफायर ऑब्वियसली सो एक पावर एम्पलीफायर को को क्या करते हो कुछ आप सिग्नल देते हो जो कि आप एक सिग्नल देते हो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लीफिकेशन सिग्नल अप्लाइड फॉर एसी सिग्नलियली फॉर एम्प्लीफिकेशन इसका एम्प्लीफिकेशन होना है जो आप इसको दे रहे हो एक एम्पलीफायर को सिग्नल आप दे रहे हो और आप आउटपुट में ले रहे हो जो कि एम्प्लीफाइड सिग्नल होगा एम्प्लीफाइड सिग्नल आप एज एन आउटपुट इससे ले रहे होउटपुट kind of, kind of जो कि आप लोड पे अवेलेबल होने वाला है लेकिन ये जो सिग्नल आपने दिया एम्पलीफिकेशन के लिए जो आप एम्प्लीफाइड होके मिला ये एम्पलीफाई हो कैसे रहा मैजिक थोड़ी हो रहा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड तो एनर्जी तो क्रिएट कर सकते नहीं आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता कोई एनर्जी जरूर आपने इसको दी होगी जो वो इसमें एडअप हुई होगी जो भी सुपर इम्पोज हुई होगी जो भी प्रोसेसिंग हुई होगी और फिर वही एनर्जी ने इसको एम्प्लीफाई किया होगा ऑब्वियसली तो ये जस्ट रिकॉल करिए आप एक्टिव डिवाइस को क्या करते हो क्या करके रखते हो बायस्ड बायसिंग तो दे के आपको रखना पड़ेगा ना ऐसा तो है नहीं कि बायसिंग किए बिना एम्प्लीफिकेशन कर रहा है तो बायसिंग के लिए जो आप इसको सप्लाई वगैरह दे के रखते हो डीसी यही आपका एक तरह जो एक्चुअली बायसिंग के लिए आपने इसको दे रखा जस्ट ब्रैकेट में लिख के मैं इसको रिमाइंड कराना चाहता हूं आपको कि आप इस एक्टिव डिवाइस को जो डीपी डीसी सप्लाई दे रहे हो यही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेसिकली यही आपको यूज करना है यही आपको यूटिलाइज करना है फॉर द पर्पज ऑफ योर एम्प्लीफिकेशन तो ये आपका एक इन द सेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ दिस डिवाइस ये आपका एक काइंड ऑफ इनपुट है ठीक तो है आपको सर इनपुट तो ये था इनपुट है फॉर योर एम्प्लीफिकेशन पर्पज बट आपके एनर्जी कॉन्सेप्ट के सेंस में एनर्जी के कन्वेंशन में पावर के कन्वेंशन में यही पावर आप दे रहे हो जो आपके काम में आने वाला है एम्प्लीफिकेशन के लिए तो ये जो डीसी सप्लाई है ये एक तरह से आप एन इनपुट दे रहे हो ठीक है एक तरह से आप इसको एज एन इनपुट दे रहे हो और जो एम्पलीफाइड सिग्नल है ओब्वियसली एक ए सी सिग्नल आप एम्पलीफाई वो एज आउटपुट ले रहे हो तो यही रेशियो आप मतलब देखो यहाँ पे आप, आप जस्ट ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस इंट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग फील द इंडल थिंग्स कि आप कितना ज़्यादा इस इनपुट को यूज कर पा रहे हो कितना ज़्यादा ये डिवाइस इस इनपुट को यूज करके आपको एम्प्लीफिकेशन कर रहा पता चला आप बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो डीसी सी लेकिन आपका एक्टिव डिवाइस यूज नहीं कर पा रहा तो इफिशियंसी इसकी ख़राब है इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपने उसमें लगाया इन्वेस्ट किया वो अच्छे से अच्छे यूज हो जाए मैक्सिमम यूज हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाए तो आप इस चीज़ को यूज करके ही ये एम्प्लीफिकेशन कर पा रहे हो तो दिस रेशियो जो इसका होगा वही आपका पावर इफ़िशियंसी को कहीं कही ना कहीं एक्सप्रेस करता है किसका एक्टिव डिवाइस का दैट इज एम्पलीफायर का ऑब्वियसली तो यहाँ पे मैं आई होप सो फार सो गुड आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैं आपको लिखने जा रहा हूँ अब ये बात आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट हेयर कि आपका जो पावर इफिशियंसी होती है जिसको मैंने ऑलरेडी एक सिंबल दे रखा ETA, है ईटा ठीक है ईटा से हम हमेशा डिनोट करते हैं इसको तो ईटा जो होगा वो आपने समझिए इस बात को आपने कितना डीसी पावर दिया डीसी इनपुट ये डीसी जो है वो इनपुट है ऑब्वियसली आपके लिए मतलब इस इफिसियंसी के कन्वेंसन में कि डीसी कितना दिया आपने और ए सी सिग्नल जो लिया तो इसका जो पावर होगा तो आपने ये जो पावर आपने खर्च किया जो पावर लगाया जो लागत आपकी थी पावर की वो ये थी यही लागत है आपकी यही इन्वेस्टमेंट है आपका ये पावर दे के कितना आपने कमाया कितना मतलब आपका प्रॉफिट हुआ कह सकते हो तो यही आपकी इफिशियंसी है है ना आप कितना एनर्जी लगा के कितना एनर्जी कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा आप, आप कमा पाए तो आपका जो इफिशियंसी वही तो है तो काइंड ऑफ थिंग सॉर्ट ऑफ थिंग सो डी इनपुट पावर और ए जो कि एक तरह से आप आउटपुट पे प्राप्त कर रहे हैं उसके पावर के रेशियो को ही हम यहाँ पे इफिशियंसी कहेंगे तो ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा हम विल एक्सप्रेस इट इन परसेंट सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शनल नंबर विथ हंड्रेड इट बिकम्स परसेंटेज इफिशियंसी सो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू पी पावर लेंगे ऑब्वियसली जो कि आउटपुट में आउटपुट का पावर होगा जो कि एसी होगा ब्रैकेट में लिख देते हैं और इनपुट का पावर इनपुट के पावर आउटपुट के पावर का इफिशियंसी ही होता है आपका सॉरी इनपुट का पावर और आउटपुट का पावर माफ कीजिएगा आउटपुट का पावर और इनपुट के पावर का रेशियो ही होता है आपका इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ट में कन्वर्ट कर देंगे आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट पावर अब ब्रैकेट में हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आउटपुट का पावर एसी में है और इनपुट का पावर डीसी में है इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि हमें सिमिलराइज करना पड़ेगा इस पावर्स को क्योंकि ए सी का पावर आर एम एस आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट्स के बेसिस पे मिलता है और डीसी तो एवरेज इट सेल्फ होता है तो इसीलिए थिंग्स हैज टू टू बी बी हैव यू नो टेकन केयर जब हम एक्चुअल पावर इफिशियंसी डिराइव करेंगे क्लास ए का क्लास बी ए बी वगैरह का तो वहाँ पे हम इस बात को और ध्यान समझेंगे कि कैसे एसी ए सी का पावर और कैसे डी सी का पावर डिराइव किया जाएगा एक्चुअली सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एक थंब रूल पे एक फिंगर टिप्स पे आप जरूर याद रखें आउटपुट का पावर और इनपुट के पावर का रेशियो होता है आउटपुट में हम ए सी अवेलेबल मिलता है और इनपुट हमारे लिए डीसी है सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि इनपुट कैसे डी सी हो गया मेरा ठीक है so, सो ये रहा मेरा पावर इफिशियंसी कॉन्सेप्ट पावर इफिशियंसी को एम्पलीफायर uh, इफिशियंसी भी ऑब्वियसली बोल सकते हैं क्योंकि एम्पलीफायर का ही ये एफिशियंसी है तो एम्पलीफायर फायर इफिशियंसी अगर कहीं लिखा तो ये मत समझना कुछ और बात है कर रहा क्या कहीं कहीं किताबों में आपको थ्योरेटिकल एफिशियंसी वर्ड भी मिलेगा क्योंकि थ्योरेटिकली ये हम डिराइव कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो बहुत डिफरेंस हो सकता है इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल एफिशियंसी एक जगह एक किताब में आपको एक और वर्ड मिलेगा कन्वर्जन कन वर्जन इफिशियंसी भी लिखा मिल सकता है आपको कभी कभी तो डोंट गेट कन्फ्यूज ये क्या है कन्वर्जन इफिशियंसी भी यही सेम चीज है कन्वर्जन का मतलब आप एक तरह से डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और वो आपको जो ए सी एम्प्लीफिकेशन एसी के रूप में आपको मिल रहा प्राप्त हो रहा तो कन्वर्ट हो जा रहा ना एक तरह से उसका फॉर्म फ्रॉम डीसी टू एसी ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जन तो ये डिफरेंट नाम है जो कि एक स्मार्ट बनाता है स्टूडेंट को अगर वो एक ही चीज को अलग अलग नाम से समझे और जाने दो सो अस क्विकली मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्टॉर्शन क्या होता है अब हम उसपे आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे डिस्टॉर्शन ठीक है so I don't think this is visible color. तो डिस्टॉर्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिस्टॉर्शन तो नाम से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जैसा कुछ साउंड आपको मिलना चाहिए डिस्टॉर्शन इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा जाती है वही है डिस्टोर्सन जो आप आ, आ, मैं कुछ बात बोला आपको आप सुन कुछ और रहे हो समझ कुछ और रहे हो तो मेरा जो मैसेज था मेरा जो वाक्य था जो मेरा जो बात था वो डिस्टोर्ट होकर आपको प्राप्त हो रहा है डिस्टोर्ट होकर मिल रहा है मीन्स जो एग्जैक्टली exactly वो चीज़ नहीं मिल रहा जो मैंने आपको देने की कोशिश की तो इट इज़ काइंड ऑफ डिस्टोर्सन इज हैपनिंग बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ यू एंड आई तो ये तरह से एक तरह से सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी तो अगर डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल वेब फॉर्म्स को डील कर रहे होते हैं तो सिग्नल वेब फॉर्म्स में चेंज होना ही डिस्टोर्सन है तो हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस सिंपल लिखूंगा मैं द चेंज इन द चेंज इन आउटपुट वेबसेप आउटपुट वेबसेप फ्रॉम द इनपुट वेबसेप फ्रॉम इनपुट वेव सेफ या वेव फॉर्म भी बोल सकते हैं वेव वेबसेप वेव फॉर्म कुछ भी लिखा रहता है फ्रॉम द इनपुट वेव वेबसेप ऑफ एन एम्पलीफायर ऑफ एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफायर के इनपुट में आपने जो वेब दिया वेव फॉर्म और आउटपुट पे जिले जो वापस रिटर्न मिला उसमें कुछ डिफरेंस मिला आपको डिफरेंस इन द सेप ऑफ उसके फॉर्म

एक्सप्लेनेशंस को प्रेजेंट करते हैं तो ये एक वेव स्वेप है एक वेव फॉर्म है लेकिन जस्ट एक बहुत एक क्रूड एग्जाम्पल देता हूँ ये जाते ही ट्राइंगुलर वेब बन गया तो वेव सेप तो बदल गया ना तो जो मैसेज इसमें था और जो मैसेज इसमें ज़रूर बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टोर्सन कहलाएगा क्योंकि बिल्कुल वेव पैटर्न ही बदल गया तो ये काइंड ऑफ डेफिनेशन ये कहता है कि वेव शेप में चेंज हो जाना लेकिन देखिए मैं इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तब तो बहुत घटिया क्वालिटी का एम्प्लीफायर होगा हूँ लेकिन एक जो प्रैक्टिकली जिस तरह का डिस्टोर्सन हम डील कर रहे होते हैं वो कुछ काइंड ऑफ थिंग जैसे ये एग्जैक्ट साइनोसोडल है अब देखिए ऐसे गया ऐसे आया फिर ऐसे गया ऐसे थोड़ा सा साइनोसोडल तो है लेकिन काइंड ऑफ डिस्टोर्सन हो गया है, इसमें डिस्टोर्टेड साइनोसोडल सिग्नल कहेंगे इसको इस तरह से या ये इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाए या इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ साथ प्लस कुछ और एडिशनल फ्रीक्वेंसी इसके साथ सुपर इंपोज हो जाए तो भी डिस्टोरसन है तो है। तो विल सी दैट अभी तक हमने बस समझने की कोशिश की है डिफाइन थोड़ी बहुत की है तो डिस्टोरसन को और बेटर हम आगे समझेंगे तो साथ में मैं बता दूं कि डिस्टोरसन इन एम्पलीफायर जो होता है डिस्टोर्सन इन एम्पलीफायर दो टाइप से आपको देखने को मिलेगा डिस्टोरसन डिस्टोर्सन इन एम्पलीफायर्स या पावर एम्पलीफायर कहना बेटर होगा मुझे लगता है क्योंकि वी आर डीलिंग विथ पावर एम्पलीफायर्स सो डिस्टॉर्शन इन पावर एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन इन पावर एम्पलीफायर जो होगा वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पहला हम देखेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखेंगे क्या होता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अभी हम समझेंगे इसको और दूसरा एक देखेंगे क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन क्रॉस ओवर डिस्टोरसन अलग अलग प्रकार के हम जो एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं ये जैसे कि क्लास ए क्लास बी बी सी तो अलग अलग में अलग अलग, अलग प्रकार के डिस्टोर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ऑपरेशन एंड ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है बट ओवरऑल विल डील विथ टू टाइप्स ऑफ डिस्टोरसन तो हार्मोनिक डिस्टोरसन को थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हार्मोनिक डिस्टोरसन क्या होता है ठीक है हार्मोनिक डिस्टोर्सन को अब हम डील करेंगे यहां हार्मोनिक हारमोनिक तो हार्मोनिक डिस्टोर्सन में आपको सबसे पहले तो हार्मोनिक शब्द का मतलब याद आना चाहिए कि क्या होता है डिस्टोर्सन ठीक है तो हार्मोनिक डिस्टोर्सन आपको याद आना चाहिए इट इज ए काइंड ऑफ थिंग रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड एक वर्ड है तो मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूं धीरे दे धीरे आपको हार्मोनिक का मतलब याद आ जाएगा अगर मैं सिंपली याद दिलाने की कोशिश करूं तो सपोज एक सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी सपोज एफ है ठीक है सपोज इसकी फ्रिक्वेंसी एफ है तो ये ये जो सिग्नल कॉम्पोनेंट है ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का कॉम्पोनेंट है लेकिन मेरे को अगर कहूँ कि इसका एक डबल फ्रिक्वेंसी का टू एफ़ फ्रिक्वेंसी का कोई सिग्नल हो या एग्जैक्टली थ्री एफ फ्रिक्वेंसी का कोई सिग्नल हो तो ये जो टू एफ वाला सिग्नल है ये इसका फर्स्ट सिग्नल का मैं कहना चाहता हूँ सपोज ये फर्स्ट सिग्नल है ये सेकेंड सिग्नल है ये थर्ड सिग्नल है तो जस्ट समझिएगा इस बात को इन ऑर्डर टू जस्ट रिमाइंड यू द टर्म्स ऑफ हारमोनी का मतलब समझा रहा हूँ आपको बस ये जो सेकेंड सिग्नल है मतलब ये सिग्नल ये फर्स्ट का हारमोनिक है ठीक है सेकेंड हारमोनीक एक्चुअली ये जो ये सिग्नल ये इसका थर्ड हारमोनिक है ठीक है तो दिस बिकॉज हारमोनी क्यों बिकॉज इसका डबल फ्रिक्वेंसी ट्रिपल फ्रिक्वेंसी मतलब मल्टीपल इसका मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का है इसलिए इसका हारमोनिक है तो दिस वॉज ओनली अबाउट आई जस्ट ट्राई टू रिमाइंड यू द मीनिंग ऑफ हारमोनिक बस ये हारमोनिक का मतलब था यहां पे ठीक है अब आपको मतलब याद आ गया होगा तो अब थोड़ा सा ईजी लगेगा मेरा जो अगला बात है मैं आपको बताने वाला हूं तो हारमोनिक डिस्टोरसन को इफ आई ट्राई टू डिफाइन हारमोनिक एम गोइंग टू राइट प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस 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 ऑफ मतलब प्रेजेंट हो जाता है उसके अंदर अवेलेबल हो जाता है वो चीज क्या चीज प्रेजेंस ऑफ हारमोनिक्स अभी अभी जो मैंने हारमोनी की बात की वो हारमोनिक्स प्रेजेंट हो जाते हैं प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ हारमोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फंटाम, फंडा जो पहला वाला ओरिजिनल है उसको फंडामेंटल बोलते हैं फंडामेंटल है। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंटामें इन द आउटपुट सिग्नल इन द आउटपुट जो आपको मिल रहा ऑब्वियसली आउटपुट और इनपुट का कंपैरिजन है इनपुट में आपने जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दी यानी इनपुट में जो सिग्नल दी उसकी जो फ्रिक्वेंसी वही ऑब्वियसली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेकिन आउटपुट में आपको उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल के साथ साथ उसके हार्मोनिक्स भी प्राप्त हो रहे हैं ठीक है उसी को मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंस हो जा रहा प्रेजेंट हो जा रहा प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट ऑफ द पावर एम्पलीफायर आउटपुट ऑफ द पावर एम्पलीफायर अब मैं पीए लिखू तो आप समझ जाना पावर एम्पलीफायर है ना आउटपुट ऑफ द पावर एम्पलीफायर and this presence will cause causes a distortion obviously unwanted चीज है जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है आपको causes the causes the distortion और इसी distortion को हम कहेंगे harmonic distortion तभी अभी सिर्फ से समझिएगा देखिए आपने कुछ V in दिया see this आपने input signal में obviously suppose ये voltage in जो आप है इसकी कुछ frequency है suppose f इसकी फ्रीक्वेंसी f अगर आप एंगुलर में सेंस करो तो ओमेगा भी बोल सकते हो और आपको ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैं ओमेगा लिख के बोलूं या एफ टू पाई तो कॉन्स्टेंट एफ बोलूँ तो भी फ्रीक्वेंसी बोलना चाहता हूं ओमेगा बोलूँ तो भी फ्रीक्वेंसी बोलना चाहता हूं बस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही अंतर है तो ये देखिए ये आपका इनपुट सिग्नल है जिसको जिसका फ्रिक्वेंसी था एफ लेकिन आउटपुट जब आप ले रहे हो जब आप आउटपुट लेने गए ठीक है जब आप आउटपुट लेने गए तो देखिए क्या हो रहा है आउटपुट लेने गए तो इसकी डबल फ्रिक्वेंसी देखो डबल जैसा लग रहा ना कुछ उतने टाइम पर दो साइकिल्स हो गया ये आपका वी आउटपुट है इसकी फ्रिक्वेंसी इसके डबल है टू एफ देखो इसके अलावा एक और कुछ ऐसा सिग्नल प्राप्त हो रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी उतने टाइम में थ्री एफ हो गई ये भी आपका आउटपुट में आउटपुट में, में ये भी मिल रहा है आपको आउटपुट में ये भी मिल रहा है आपको आउटपुट में ये तो मिल ही रहा होगा ठीक है दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम इज की टू एफ भी मिल रहा है टू एफ बोलो या टू ओमेगा बोलो एक ही बात है थ्री एफ बोलो या थ्री ओमेगा बोलो मैं दोनों को साथ में समझा तो रहा हूँ तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि ओमेगा और एफ में अंतर क्या है कुछ अंतर नहीं है दिस इज द रिलेशन ठीक है तो कहने का मतलब है कि आपकी एफ फ्रिक्वेंसी है वही आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है जो इनपुट में आपने दिया लेकिन आउटपुट जब ले रहे हो तो वहाँ आप पे आपको टू एफ फ्रिक्वेंसी का सिग्नल मिल रहा है थ्री एफ फ्रिक्वेंसी का सिग्नल मिल रहा है एक और बेस्ट प्रिसाइज एग्जांपल ले लेते हैं कि टेन हर्ज की सपोज फ्रीकवेंसी थी तो ट्वेंटी हर्ट का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको मिल रहा है थर्टी हर्ज की फ्रीकवेंसी का सिग्नल मिल रहा है सिमिलरली फोर्टी हर्ज का भी मिल सकता है फिफ्टी हर्ट का भी मिल सकता है तो ये इसके हारमोनिक्स है टेन हर्ड्स के हारमोनिक्स है ट्वेंटी हर्ड तो ये जो हारमोनिक्स प्रेजेंट हो रहे हैं ये हारमोनिक्स जो प्रेजेंट हो रहे हैं ये डिजायरेबल नहीं है ये डिजायरेबल नहीं है देज आर गोइंग टू रेंडर द डिस्टोर्सन डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये नहीं चाहिए हमको ये देर दिज आर नॉट रिक्वायर्ड दिज आर नॉट डिजायर्ड बट ओरिजिनल अगर आपको मिल रहा है तो ओरिजिनल की तुलना में अगर बहुत नेग्लिजिबल है तो डिस्टोर्सन आपका थोड़ा कम है तो ये हम और बेटर समझेंगे अगले हमारे मैथमेटिकल एनालिसिस में तो विल सी दिस नाउ द मैथमेटिकल एनालिसिस देखिए अब हारमोनिक डिस्टोरसन को यहां पे मैथमेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स कुछ होने वाला है यहां पे हारमोनिक डिस्टोरसन हारमोनिक डिस्टोरसन सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ठीक है अब एक चीज याद दिला दूँ आपको आपको याद आ रहा होगा एक बात कि जो हमारा स्मॉल सिग्नल का जो एम्पलीफिक एम्प्लीफायर होता था पावर एम्पलीफायर क्या है पावर एम्पलीफायर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर डील्स विथ लार्ज सिग्नल बस और कुछ है नहीं तो स्मॉल सिग्नल स्मॉल सिग्नल का एम्पलीफायर जो होता था उसके बाद कुछ याद दिला दू कि वहां पे हम जो ऑपरेशन करते थे ट्रांजिस्टर में वो हमारा जो ऑपरेशन था सिंपली एक्टिव था एक्टिव मोड में करते थे जिसको हम बोलेंगे बेसिकली लीनियर ऑपरेशन लीनियर ऑपरेशन करते थे लीनियर ऑपरेशन का मतलब क्या था हमारा जो कलेक्टर करंट था वो सिंपली बीटा टाइम्स आवर बेस करेंट यह सिंपल लिनियर लीनियर रिलेशनशिप है लिनियर मैथमेटिकली इसको समझो आप ये लीनियर रिलेशनशिप है ठीक है लीनियर लीनियर ग्राफ बनेगा सिंपल लेकिन नॉन लीनियर क्या होता है अब देखिए जैसे ही हम पावर एम्पलीफायर में आते हैं पावर एम्पलीफायर मतलब पावर एम्पलीफायर में हम डील करते हैं इन पावर एम्पलीफायर वे डील विथ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल के साथ हम डील कर रहे थे यहाँ स्मॉल सिग्नल था अब हो गया लार्ज सिग्नल लार्ज सिग्नल में हमारा लार्ज सिग्नल का एम्पलीफायर होता है मतलब पावर एम्पलीफायर होता है बेसिकली तो ये पावर एम्पलीफायर डोंट कंफ्यूज ये क्या कर रहा हूँ ये पावर एम्पलीफायर पी ए मतलब पावर एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर में हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है बेसिकली नॉन ऑपरेशन लार्ज सिग्नल होने की वजह से ऑपरेशन नॉन लिनियर करना पड़ता है हमें तो नॉन नॉन लिनियर ऑपरेशन नॉन लिनियर का एग्जाम्पल देखो यहां पे आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी ये तो रहेगा ही साथ में देखिए क्या होने वाला प्लस बीटा आई बी स्क्वायर देखिए ये लिनियर नहीं है पैराबोलिक रिलेशन मेंटेन करेगा ये अगर दो बीटा है तो यहां केस ऑफ ऑपरेशन आर एक्चुअली डेल्ट इन लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स पावर एम्पलीफायर्स ठीक है तो ये जो आपने अभी अभी देखा है इसी के मैथमेटिक्स के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हारमोनिक्स जनरेट होंगे कैसे डबल फ्रीक्वेंसी ट्रिपल फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले आपको सिग्नल्स प्राप्त होने वाले हैं तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे आई बी जो होगा वो मान लेते हैं। ओबियसली ये भी साइनोसोडल आई बी मतलब स्मॉल सॉरी दिस इज ए सी ए सी सिग्नल तो ए सी क्या होगा एक कुछ इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा कुछ साइनोसोडल या कोसाइनोसोडल इसका एक फंक्शन होगा तो को, कोस ओमेगा टू पाई एफ टी भी मैं लिख सकता हूँ टू पाई एफ टी भी लिख सकता हूँ लेकिन टू पाई एफ बहुत लंबा लगता है इसलिए मैं टू पाई एफ के बदले में क्या लिखूंगा ओमेगा लिखूंगा है ना याद आ रहा होगा आपको टू पाई एफ मतलब ओमेगा यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी ओमेगा जीअल टू टू पाई एफ तो ओमेगा लिखूंगा सो एल राइट हेर ओमेगा टी तो ओमेगा टी जो है वो एंगल का टर्म बन जाता है ओमेगा टी ठीक है आपको पता होना चाहिए ओमेगा टी काइंड ऑफ थीटा काइंड ऑफ एंगल है तो अब अगर मैं ये जो आई बी है वो इस इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो मेरा आई सी क्या बनेगा देखिएगा आई सी विल बिकम ठीक है आई सी लेट लेट मी राइट दिस विद डिफरेंट कलर तो आई सी जो होगा मेरा बन जाएगा मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिएगा अब आई सी विल बिकम जस्ट ए मोमेंट सो माई आई सी विल बिकम ठीक है यहाँ पे कुछ करना नहीं है बस वैल्यूज को पुट करना है जो स्क्वायरिंग है स्क्वायरिंग करना है ऑल दिस थिंग्स करना है हमको आई सी इज इक्वल टू बीटा वन आई बी आई बी का वैल्यू पुट कर देता हूँ आई बी कोस ओमेगा टी प्लस बीटा टू आई बी का स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर तो एक बार आपके लिए लिख देता हूँ कोस ओमेगा टी अंधिस हो एक पूरा टर्म जो यहाँ से यहाँ तक है ठीक है यहाँ से यहाँ तक का टर्म इसका स्क्वायर कर दूंगा है ना और इसकी स्क्वायरिंग को तोड़ूंगा अब तो मेरा हो जाएगा आई सी बिकम्स इक्वल टू बीटा वन आई बी कोस ओमेगा टी पहला टर्म तो सिंपली कुछ करना नहीं था दूसरे टर्म में आपको कुछ करना है स्क्वायरिंग वगैरह तो दूसरा टर्म आपका बन जाएगा प्लस बीटा टू आई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी अच्छा आपको एक रिमाइंडर दे दूं यहां पे कि कोस थीटा जब स्क्वायर बन जाता है तो क्या होता है बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हैं उनको याद होगा कोसक्वायर थीटा को लिख सकते हो वन प्लस कोस टू थीटा बन जाएगा एंगल डबल हो गया देखना एंड होल डिवाइडेड बाई टू आई होप ये आपको याद आ रहा होगा ठीक है वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू ठीक है वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू अब हम इसको यूज करेंगे यहां पे इज इक्वल टू बीटा वन आई बी कोस ओमेगा टी प्लस बीटा टू आई बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं वन प्लस कोस टू ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई टू ये कुछ नहीं किया मैंने इसके एंगल इसके uh, uh, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज कर लिया मैंने अब यहाँ पे आप लोग गैस कर पा रहे हो जो चीज़ यहाँ ओमेगा था वो चीज़ टू ओमेगा बन गया दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम योर हार्मोनिक ठीक है अब इसको मैं सिंपल कर देता हूँ थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में यूज करूँगा यहाँ पे बीटा वन आई बी कोस ओमेगा टी प्लस बीटा टू आई बी स्क्वायर नीचे में टू है तो नीचे में टू आ जाएगा प्लस बीटा टू आई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू कोस टू ओमेगा टी ठीक है अगला लाइन हो गया फॉलो करेगा अब देखिए मैं क्या करूँगा थोड़ा रीअरेंजमेंट करता हूँ इसको पहले लिखूंगा क्योंकि ये कही कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्स्टेंट है आप देखिए ये टर्म आपका कांस्टेंट है बीटा तो कांस्टेंट है आई तो भी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट बेस करंट है तो वो भी कांस्टेंट है इसका स्क्वायर किया डूर तो ये कांस्टेंट है इसके अलावा यह जो टर्म है यह भी एक कांस्टेंट है ये जो टर्म है वो भी एक कांस्टेंट है मैक्सिमम वैल्यू तो एक काम करूँगा इनको सीरियल नंबर दूंगा इसको मैं दूंगा बी जीरो आपका फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वाला टर्म है देखिए कोस ओमेगाटी फर्स्ट टर्म तो इसका नाम दूंगा बी किसका नाम इसका नाम और यह देखिए कोस टू ओमेगाटी ये इसका सेकेंड हारमोनिक वाला टर्म है तो इसका नाम दूंगा बी यह बीटा नहीं है पहले ये बीटा वन बीटा वगैरह था लेकिन अब मैंने इस पूरे कांस्टेंट को एक सिंगलेंट टर्म मान के नया नाम दे दिया बी जीरो लगे उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं ठीक है इतना ये मैं कि आई एम गोइंग टू कॉम्प्लीकेट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारा काम एक्चुअली कर रहा हूं सो फाइनली माई आईसी बिकम्स बी जीरो सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म ये ले लिया मैंने प्लस फिर लिखा मैंने बी वन कोस फ्यूज मी ओमेगा टी एंड थर्ड टर्म हो जाएगा मेरा बी टू ये बीटा नहीं है बी है ठीक है बी टू कोस टू ओमेगा टी तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि ये जो टर्म है आपका ये आपका कंप्लीटली कॉन्स्टेंट डीसी टर्म है ये आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वाला टर्म है क्योंकि इसमें सिंगल ओमेगा है ओमेगा टी है यहाँ पे टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी है कहीं कही ना कहीं इसमें जो एंगल है वो टू ओमेगा से बना हुआ है तो टू ओमेगा मतलब डबल फ्रिक्वेंसी टर्म है तो ये आपका कहीं कही ना कहीं आपका हार्मोनिक है इसका ये जो होल टर्म है जो कि है है जो कि uh, है, है, तो यही आपका बेसिकली रहा है डिस्टोर्सन को रेंडर करेगा यही डिस्टोर्सन करने वाला आपका और ये आपको चाहिए तो एक्चुअली में डिस्टोर्सन ऐसे डिस्टोर्सन जो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम बोल सकते हैं दिस इज आवर डिस्टोर्सन लेकिन ये तो डिस्टोर्सन नहीं है ये तो वो

ये जो टर्म है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है बी टू और इस, ये हमारा ये हमारा चाहिए ये हमारा फंडामेंटल टर्म है ये तो हमको चाहिए ये तो हमको चाहिए ये हो गया हमारा बी वन तो इस बी टू का और बी वन का रेशियो ले लिया हमने जो चीज नहीं चाहिए डिवाइडेड बाई जो चीज चाहिए ये रेशियो हमारा है डिस्टोर्सन जैसे आपको याद होगा सी एम आर आर करते थे हम जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर में तो हम चाहते थे कि डिफरेंशियल मोड गेन हमें सिर्फ मिले कॉमन गेट मोड गेन ना मिले तो कॉमन मोड गेन डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल मोड गेन करते थे और वो रेशियो बताता था आपका सी एम आर आर ठीक है तो उसी तरह से यहां पे भी जो नॉट डिजायर्ड है ठीक है इसका कन्वेंशन क्या है नॉट डिजायर्ड वाला को भागा दे दोगे डिजायर्ड वाले से डिजायर्ड वाले से तो आपको मिलेगा डिस्टॉर्शन ठीक है ये आपको समझ एक समझ लो आप क्योंकि डिस्टॉर्शन ही वो चीज है जो डिजायरेबल नहीं है वही चीज तो डिस्टॉर्शन है इसलिए ये रेशियो इस तरह से होता है अब ये देखिए एक चीज समझिएगा यहाँ पर कि आपके यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने सेकेंड हारमोनिक को इन्वॉल्व किया तो इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर डिस्टोर्सन कहा जाता है इसको D2 टू बोलूंगा मैं इसको कहूंगा D2 ये जो डिस्टोरसन है वो D2 टू डिस्टोर्सन है ठीक है इसको हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिस्टोरसन डिस्टोर्सन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सो मैंने यहाँ पे ठीक है इसको कहते हैं या सेकेंड डिस्टोरसन ऑफ सेकेंड हारमोनिक भी कह सकते हो सेकेंड हारमोनिक क्योंकि आपका सिर्फ उस सेकेंड हार्मोनिक आपको मिला है इस एग्जाम्पल में तो सेकेंड हार्मोनिक का डिशन का ये एक्सप्रेशन है डी टू लिखोगे आप कहोगे फर्स्ट डिस्टोर्सन फर्स करके कुछ नाम से कुछ होता नहीं है सेकेंड हारमोनिक के प्रेजेंट के प्रेजेंस की वजह से जो डिस्टोर्सन सेकेंड डिस्टोर्सन का लाएगा अब इसी तरह से अगर हमारे सिग्नल मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि सिग्नल बहुत लार्ज है इसी तरह से और लार्जर सिग्नल अगर आप डील करते हो तो और ज्यादा आपके डिस्टोर्सन होंगे तो मैं आपको हाइयर ऑर्डर के डिस्टोर्सन भी आपको एग्जाम्पल में पे दिखाने जा रहा हूं हायर ऑर्डर के डिस्टोरस हायर ऑर्डर हार्मोनिक डिस्टोर्सन बोल सकता हूं मैं हायर ऑर्डर हार्मोनिक डिस्टोरसन या हायर हार्मोनिक भी सिंपली लिख सकते हैं हार्मोनिक डिस्टोरसन तो अगर आपके सिग्नल और ज्यादा लार्ज हो जाए बहुत ज्यादा लार्ज सिग्नल हो तो आपके हायर ऑर्डर सिग्नल मिलेंगे ज्यादा लार्ज होंगे तो ठीक है लार्जर द सिग्नल लार्जर द सिग्नल मोर इज द मोर विल बी द नॉन लिनियॉरिटी नॉन लिनियॉरिटी आपकी बढ़ेगी नॉन लिनियरिटी भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी जब नॉन लिनियॉरिटी बढ़ेगी तो देखिए कैसा होने वाला आपका जो आईसी था जो ये आईसी था आपका ये वाला एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिएगा दिस एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा बनने वाला देखिए इसमें आईसी बी बी वन आई बी प्लस बी टू आई बी स्क्वायर प्लस बी थ्री आई बी क्यू प्लस डी फोर आई वी पावर फोर ऐसा कुछ होने वाला है ठीक है इंफिनिटी तक भी जा सकता है यह चीज तो आई सी विल बिकम बी वन आई बी प्लस बी टू आई बी स्क्वायर यहां तक तो हमने देखा प्लस बी थ्री आई बी क्यूब प्लस बी फोर आई फोर सॉरी बी फोर आई 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 बी होगा ये मैंने गलती से फोर लिख दिया बी फोर आई बी रहेगा पावर में फोर हो जाएगा है ना बी फोर आई बी पावर फोर एंड सो ऑन सो फोर इस तरह से जाएगा अगर ऐसा कुछ रहा तो अगर उसी तरीके से हम सब कुछ चीज़ों को सिम्पलीफाई करें तो मेरे पास जो इस तरह से मैंने जो पाया था यहाँ पे ये वाला बी जीरो बी वन कोस ओमेगा टी बी टू कोस ओमेगा टू टी बी थ्री इस तरह से चलेगा तो ये बन जाएगा एक कॉन्स्टेंट टर्म तो आएगा ही प्लस बी वन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वाला टर्म आएगा ये यह यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था अब प्रॉब्लम शुरू होता है बी टू कोस टू ओमेगा टी ये तो ठीक है प्लस बी थ्री कोस थ्री ओमेगा टी प्लस बी फोर कोस फोर ठीक है फोर ओमेगा टी इस तरह से हमारे पास ऐसे सीरीज चलेंगे जितने ज़्यादा हायर ऑर्डर उतने ज़्यादा इस तरह के टर्म्स मिलेंगे इतने ज्यादा आपको हार्मोनिक्स मिलेंगे इतने ज़्यादा मल्टीपल टर्म्स मिलेंगे तो ये जितने हार्मोनिक्स मिलेंगे उतने हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मिलेंगे तो इसमें भी आपका जो डी टू होगा वो वही रहेगा डी टू विल बी सेम एज योर बी वन को भागा दोगे ठीक है मतलब आपका जो ये वाला जो टर्म है दिस टर्म सी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ये जो टर्म है ये आपका सेकेंड ऑर्डर इसके साथ रेशियो बनाओगे तो सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक बनेगा मतलब हारमोनीकेंड हार्मोनिक स्ट्रेशन बनेगा इसके साथ लोगे तो थर्ड हार्मोनिक बनेगा इसके साथ लोगे तो फोर्थ हार्मोनिक बनेगा नीचे में हमेशा आपका बेस यही रहेगा हमेशा बिकॉज इसी से कंपेयर करना बिकॉज ये डिजायर्ड है ये अगेन आपका डिजायर्ड वाला टर्म है डिजायर्ड वाला फ्रिक्वेंसी है बट ये आपके ड है मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं ये, undesired, undesired, undesired. तो ये desired, 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 ऐसे करेंगे तो ये मिलने वाला आपका देखिए डी टू हो गया इसी तरह से डी थ्री क्या हो गया आपका बी थ्री से भाग दोगे बी वन को इसी तरह से डी फोर क्या होगा आपका बी B4 को भाग दोगे आपको आप बी वन से सारे का मोड लोगे क्योंकि ये मैग्नीच्यूड है तो मैग्नीच्यूड आपको लेना है माइनस प्लस विल नॉट टेक केयर सो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको मिलने वाले हैं डिफरेंट डिस्टोर्सन ये जो है आपका बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डिस्टोर्सन है थर्ड ऑर्डर डिस्टोर्सन है फोर्थ हार्मोनिक मतलब सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्सन थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्सन फोर्थ हार्मोनिक डिस्टोर्सन लाइक दैट इस तरह से बहुत सारे हार्मोनिक्स डिस्टोर्सन के अगर टर्म मिल जाते तो ओवरऑल जो डिस्टोर्सन होगा वो होगा डी ठीक है डी टू स्क्वायर प्लस डी थ्री स्क्वायर प्लस d4 फोर स्क्वायर प्लस जितने भी टर्म है सबको जोड़ के स्क्वायर करके सॉरी स्क्वायर करोगे फिर उनको जोड़ोगे और लास्ट में स्क्वायर रूट कर दोगे और अगर आप कर देते हो तो आपको ओवरऑल डिस्टोरसन का पता चल जाता है ठीक है यू गेट द ओवरऑल डिस्टोर्सन लाइक दिस इस तरह से आपको ओवरऑल डिस्टोरसन का पता चल जाता है ठीक है डी टू स्क् प्लस डी थ्री लाइक दैट और बहुत ही सिंपल था ये अगर आप मैथ में अच्छे हो तो ये सारी चीज़ें आपको सिंपल लग रही होंगी तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट मॉय हार्मोनिक डिस्टोरसन जल्दी से समझ लेते हैं कि क्रॉस ओवर डिस्टोरसन आखिर कहते किसे हैं ठीक है क्रॉस ओवर डिस्टोरसन क्रॉस सी आर ठीक है सी आर ओ डबल एस ओवर डिस्टॉर्शन तो क्रॉस ओवर डिस्टोरसन का नाम से लग रहा है कुछ क्रॉस होने वाला है तो देखिए क्रॉस का यहां मतलब है बस याद आ जाएगा आपको समझा देता हूं क्या होता है पहले इसके बारे में कुछ टर्म्स लिख लेता हूँ यहाँ पे ए टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ डिस्टोरशन विच इज कॉज बाई स्विचिंग बिटवीन डिवाइसेस ए टाइप ऑफ डिस्टोरशन ए टाइप ऑफ डिस्टोरशन विच इज कॉज्ड बाई विच इज कॉज बाई स्विचिंग बिटवीन डिवाइसेस स्विचिंग क्या मतलब इसका समझ में आ जाएगा वो स्विचिंग बिटवीन डिवाइसेस अब एक चीज आपको पहले यहां बता दूं मैं आपको ये जो आप देखोगे दो तरह का एम्पलीफायर लास्ट में आपने देखा मैंने लिखा है पुस्पुल एम्पलीफायर है कंप्लीमेंट्री सिग्मेट्री एम्पलीफायर इसमें दो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है इसमें भी और इसमें भी और स्पेशली इन दिस टू टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स वी सेल कन्फ्रंट दिस टाइप ऑफ डिस्टोरशन दैट इज क्रॉस ओवर डिस्टोरसन तो दो डिवाइसेस के बीच में जब आप स्विच ओवर कर रहे होते हैं ऐसा कुछ समझिए कि मान लीजिए कि एक डिवाइस एट ए टाइम काम कर रहा और दूसरा डिवाइस दूसरे टाइम पे काम कर रहा मतलब दोनों डिवाइसेस साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे हैं तो एक डिवाइस अभी काम कर रहा तो दूसरा डिवाइस उसके जस्ट बाद वाले टाइम पर काम करेगा तो दोनों में स्विचिंग ओवर चल रहा है एक बारिए एक बार ये एक बारिए एक बारिए तो जो जैसे सपोज आपको सिग्नल दे रहे हो तो इसके कुछ हिस्से के लिए कुछ हिस्से के लिए सपोज इतने हिस्से के लिए आपका ट्रांजिस्टर T1 काम कर रहा है दूसरे हिस्से के लिए ट्रांजिस्टर T2 काम कर रहा है लेकिन बीच में कुछ ऐसा एक टाइम आएगा कुछ पोर्शन ऑफ द सिग्नल होगा जिसके लिए ना T1 काम कर रहा होगा ना टी काम कर रहा होगा तो वो एरिया आपका आपके आउटपुट पर प्राप्त नहीं हो पाएगा आउटपुट पर एम्प्लीफाई होकर मिलेगा नहीं मतलब वो डिस्टोर्ट हो जाएगा वो एरिया वो हिस्सा वो भाग कुछ ऐसा एक आप इमेज को दिमाग में पहले रखिए बेटर अंडरस्टैंड क्रॉस यही का मतलब यही है यहाँ पे लगभग अर्थ आप आई होप आप समझ चुके होंगे ठीक है तो नॉर्मली ये पुसपुल या कम्पलीमेंट्री सिमिट्री में होता है तो मैं ये बात भी लिख देता हूं कि दिस टाइप ऑफ क्रॉस ओवर ओकर ऐसा जो डिस्टोरसन है ओकर होता है इन पुस्पुल छोटा मोटा क्वेश्चन भी आपको इसे बन सकता है कि ये किस प्रकार के एम्प्लीफायर में क्रॉसवर्ड स्ट्रोशन होता है तो पुस्प्लू पुष्पुल में होता है या फिर आपको कंप्लीमेंट्री सिमिट्री एम्पलीफायर जो हम बाद में पढ़ेंगे पुष्पुल और कंप्लीमेंट्री पूरा नाम लिख देता हूँ कंप्लीमेंट्री सिमिट्री एम्पलीफायर्स में ये इस तरह का एम्प लिख देता हूँ शोर्ट में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा अब तीसरा पॉइंट में जो अभी बताया समझाया उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट जो इनपुट आप दे रहे हो उसका कुछ हिस्सा कुछ अमाउंट सर्टेन अमाउंट ठीक है सम सर्टेन अमाउंट ठीक है ऑफ इनपुट सिग्नल कह लो वोल्टेज कह लो जो भी है क्या होता है कि नन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट इस तरह का दो मैंने बताया नन ऑफ दी नन ऑफ दी न ऑफ द ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट एक बार में एक ही करेगा और एक ऐसा समय आता है जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर रहे होते ठीक है, है क्योंकि उनका जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होता होगा कारण देखेंगे हम ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट नन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट कोई भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर रहा होता है सो द आउटपुट डज नॉट फॉलो एग्जैक्टली इज द इनपुट सो दउटपुट

इनपुट के उस पार्ट के लिए आपका आउटपुट नहीं मिलेगा या एग्जैक्टली exactly उस हिसाब से नहीं मिलेगा तो ऐसा कुछ होगा इसको एक आ, मैं सम विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ समझने की कोशिश करेगा ये आपका एक वोल्टेज का ग्राफ है देखिएगा आपको ये बात समझ में आ जाएगी ऑब्वियसली इधर आपके पॉजिटिव वोल्टेजेज है और इधर आपके निगेटिव वोल्टेजेज है ठीक है तो आपका जो ट्रांजिस्टर टीवन है वो पॉजिटिव वोल्टेजेज का देखिए आपका टीवन है वो हो सकता है एन एन हो तो एनपीएन में आपका जो बेस से है वो फॉरवर्ड बायस कब होगा जब बेस को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो बेस को ही हम कॉमन एमीटर कॉन्फिगरेशन में क्या करते हैं बेस को ही हम इनपुट देते हैं तो बेस को पॉजिटिव मिलेगा तो बेस तो मेरा एक्टिव रीजन में जाएगा तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने टी वन को एनपीएन माना है और टी टू को पी एन पी माना है पी एन पी तो देखिए इसका बेस एन टाइप का यानी ये निगेटिव वोल्टेज मिलने पर बायस होगा आपका बेस बेसमीटर जंक्शन तो ठीक है इस बात को समझिए लेकिन प्रैक्ट ठीक है आइडियली तो जीरो वोल्ट से ज़्यादा मिलने पे आपका चला जाना चाहिए फ्रॉडवैस में और ये भी आइडियली जीरो से कम होने पे चला जाना चाहिए फ्रॉडवैस में लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है हम तो आइडियल तरीके से डिवाइस को बना देते हैं लेकिन डिवाइस तो प्रैक्टिकल भी बिहेवियर दिखाएगा अपना तो प्रैक्टिकली व्हाट विल हैपन प्रैक्टिकली व्हाट विल हैपन इज सपोज यहाँ पे आपका पॉइंट वोल्ट है और यहाँ पे आपका माइनस वोल्ट है तो क्या होगा पॉइंट वोल्ट से आगे में आपका टीवन ऑन होगा लेकिन इस एरिया में ठीक है या और इसको पहले बता दूं मैं कि 0.7 वोल्ट से लेस वोल्टेज में आपका T2 टू ऑन रहेगा लेकिन अब यहां पे देखिए ध्यान से 0.7 से कम में आपका T1 ऑफ है और 0.7 से ज्यादा में आपका T2 ऑफ है तो ये आपका ऑफ रीजन है आपका ये आपका ऑफ रीजन बन जाता है तो इस रीजन में आप तो आइडियली आड, सोच रहे थे कि जीरो से ज़्यादा मिलते ही ऑन हो जाएगा ये जीरो से कम मिलते ही ऑन हो जाएगा ये तो मेरा होल साइकिल के लिए आपका आउटपुट प्राप्त होता रहेगा लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हुआ ना जीरो पॉइंट सेवन वोल्ड से ज़्यादा के लिए तो ऑन हुआ ये जीरो पॉइंट सेवन वोल्ड से माइनस प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है सो तो इसीलिए आपका जो आउटपुट वेब फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनने लगता है देखिए आप इनपुट में आप कुछ ऑब्वियसली एक साइनोसोडल सिग्नल दिए होंगे मैं पहले यहाँ पे इनपुट दिखा देता हूँ ये व्हाइट कलर में जो दिखाऊंगा आपको ये मेरा इनपुट होगा यहाँ पे देखिएगा आपका ये आइडियली एक साइनोसोडल सिग्नल है लेकिन आउटपुट में आपका जब जीरो के आसपास आप डील कर रहे हो आप सोच रहे हो समझिए इस बात को ये जो जीरो वाला एरिया है वो ये जीरो वाला एरिया है इस एरिया में क्रॉस कर रहा है सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से निगेटिव वो जीरो वाला पॉइंट है तो जीरो पॉइंट इसीलिए क्रॉस ओवर डिस्टोशन इसका जो नाम पड़ा है क्रॉस ओवर डिस्टोरसन उसका नाम यहीं से कहीं से आया था कि जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स होंगे आपके जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स होंगे वहां पर देखिए क्या होने वाला है इसको ऐसे समझिए देखिए मान लीजिए कि सिग्नल आ रहा था आ रहा था आ रहा था और आपका जी जीरो के क्लोज होते ही आपका कुछ हम जानते नहीं कि किस तरह से बिहेव कर रहा है वो डिवाइस T1 भी काम नहीं कर रहा T2 भी काम नहीं कर रहा जीरो के क्लोज तो कुछ देर उसके बाद आपका आउटपुट कंटिन्यूसली आना चाहिए था लेकिन आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा देखिए तो यहाँ पर कुछ डिस्टोर्सन हुआ है कुछ मतलब एक डिसकन्टिन्यूटी भी कह सकते हो आप सिग्नल का अगर आप पढ़े हो कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डिसकन्टिन्यूटी है यानी कि यहाँ से यहाँ चेंज समझ में आ रहा सी दिस इनपुट वाला पे आप फोकस करिए यहाँ आपको क्लियर है कि इस तरह से चेंज हो रहा है आपका सिग्नल लेकिन यहाँ पे अचानक से सडन चेंज है कुछ यहाँ पे आपका क्या है कि You are not, uh, able to find out what values are available so and because of that aapka output waveform kuch aisa bana आपका ki input कुछ ऐसा बना जो कि to के distortion exactly hai नहीं है तो ये hai है तो ये जो it है ये जो area यहाँ pe distortion हुआ है और उसी हिसाब से जब जब ये जीरो को क्रॉस करेगा वहाँ वहाँ ये चीज होगा तो इसलिए दिखाया जाता है कि यहाँ भी वो distortion हुआ होगा उसके बाद इस तरह से जब ये जाएगा थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ जब ये इस तरह से जाएगा इस तरह से आएगा इस तरह से और फिर यहां जाएगा तो यहां भी ये एरिया में भी डिस्टोर्सन है इस एरिया में भी है ये है जब जब जीरो को क्रॉस करेगा जब जब जीरो के क्लोज होगा जब जब जीरो के देखिए ये जीरो के क्लोज वाला एरिया है तो जब जब जीरो के क्लोज होगा तब तब आपका डिस्टोर्सन होगा तो ये आपका क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन है तो ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का डिस्टोरसन है जो कि इस तरीके से हम समझते हैं और ये पुष्पुल या जहाँ पे दो टी वन दो ट्रांजिस्टर्स डील करेंगे हम टी वन दो ट्रांजिस्टर तब ऐसा डिस्टोर्सन मिलेगा तो आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू इस तरह से हार्मोनिक डिस्टोरसन स्पेशली हार्मोनिक डिस्टोरसन ही मेजर टाइप का डिस्टोर्सन है जिसको जरूर समझे आप क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन हमने आज समझा सो so, हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर जिसमें क्लास ए क्लास बी जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप से बाइसिंग किया जाता है जिसमें क्लास ए एम्पलीफायर में Uh, हम पावर को कुछ हद तक बचाने की कोशिश करेंगे लगभग ये ऑलमोस्ट ये हमारा नॉर्मल टाइप का एक अंप्लीफायर होता है जिसमें हम 100% परसेंट एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं क्लास बी से शुरू होता है थोड़ा नॉन लिनियरिटी तो यहाँ पे नॉन लिनियर डिस्ट्रोशन शुरू होंगे ठीक है आई होप दिस क्लास वॉज यूजफुल टू यू थैंक यू फॉर ना